साइबर स्कूल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए अभी तक हमने दो लेसन पढ़े हैं, दो लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी वीडियो आप तक पहुंच चुकी है। मैं आशा करता हूँ वे वीडियो आपको पसंद आई होंगी और उनसे संबंधित पीडीएफ लेसन वन पार्ट टू के आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप उन पीडीएफ फाइलों को पढ़िए, अध्ययन करिए और जो अपनी ये वीडियो है उनको देखिए तो फिर पुनः पढ़िए तो शायद टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक और सबसे अहम और आम सूचना कि आप सोच रहे हो कि कोरोना के तहत एग्जाम आपके पीछे की सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपके एग्जाम वही मार्च में रहेंगे, प्रिपेयर के लिए उतना ही समय दिया जाएगा जितना हमेशा से दिया जा रहा है। इसलिए आपको आपका ध्यान आपका लक्ष्य वही मार्च के एग्जामों के लिए रखना है। तो बस आगे चलते हैं अपने टॉपिक को लेने के लिए। आज हम पाठ तीन को पढ़ा रहे हैं और पाठ का नाम है संघीय शासन व्यवस्था के आधार तत्व। संघीय शासन व्यवस्था के आधार भूत मतलब जो हमारी शासन व्यवस्था है वह प्रधान संघीय शासन व्यवस्था लोकतंत्र को जो मजबूती प्रदान करती है वो हमारी करती है संघीय शासन व्यवस्था। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या किया जाता है, बंटवारा। केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। अब आप जानते हैं कि शक्तियों का बंटवारा करने की जो विशेष प्रक्रिया है हमारे भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है, उसको हम कहते हैं अनुसूची नंबर 7। अब हम कहें ये जो लाइन जो मैंने आपको लिखी है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये हम इस संघीय शासन व्यवस्था की क्या मानते हैं, प्रवृत्ति। तो एक नंबर के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि संघीय शासन व्यवस्था की प्रवृत्ति क्या है। तो आप कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा करना ही क्या है, संघीय शासन व्यवस्था की प्रवृत्ति। अब हम कहें तो शक्तियों का बंटवारा ये कौन सी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची लिखते हैं। इसको कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। नंबर पहला संघ सूची, नंबर दूसरा राज्य सूची, नंबर 3 संघ सूची। संघ सूची में कार्यक्रम कौन बनाता है, केंद्र सरकार। राज्य सूची में कार्यक्रम कौन बनाता है, राज्य सरकार। और संबंधित सूची में दोनों ही सरकारें, परंतु जब इनमें मतभेद हो जाते हैं, मतभेद की स्थिति में क्या होता है, केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। एक बार और देखिए कि संघीय शासन व्यवस्था की प्रवृत्ति क्या है, कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। दूसरा शक्तियों के बंटवारे से संबंधित अनुसूची अनुच्छेद कौन सा है, अनुसूची 7वीं अनुसूची, जिसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी
सूची, समग्र सूची में कार्यों कौन बता बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची में कार्यों कौन बनाता है? राज्य सरकार। और समग्र संवर्ती सूची में दोनों ही सरकारें कानून बनाती हैं। अगर इनमें कोई भी मतभेद हो जाता है तो जो बड़ा होता है तो हम जानते हैं बड़ा कौन है, बड़ा है केंद्र सरकार, उसका कानून मान्य होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। संघवाद क्या है? परिभाषा है, लिखते हैं, सत्ता की शक्तियों और वितरण के आधार पर सत्ता की शक्तियों और वितरण के आधार पर, या हम कह सकते हैं स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। हम जानते हैं कि उसमें सरकार संघीय शासन व्यवस्था में सरकार दो स्तरों पर बनी होती है, तो स्तरों पर भी हम कह सकते हैं, स्तरों पर भी कह दिया, वितरण उनके आधार पर भी हमने कह दिया, तो अपना ही जाने वाली शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संघवाद। अब हम कहें कि एक तो हमारे पक्ष में मुख्य तौर पर आया है कि जो संवर्ती सूची, इक्विटी संपत्ति सूची अर्थात केंद्र और राज्य में जब मतभेद होते हैं, केंद्र और राज्य में जब मतभेद होते हैं तो उनके मध्य सुलह कौन कराता है कि केंद्र का कानून मान्य होगा या राज्य सरकार गलती में है या केंद्र सरकार गलती में है? तो इसका फैसला हमारी कौन करती है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करती है? सर्वोच्च न्यायालय करती है। आगे चलते हैं, देखिए अगला है एकल नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि नागरिकता क्या होती है, कि जैसे ही कोई बच्चे ने जन्म लिया है या कोई व्यक्ति जब पृथ्वी पर आता है तो वो जिस देश में पैदा होता है उसी के साथ उसको उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हमारा जन्म हुआ, हमारे माँ बाप का संबंध जिस देश से है हमारा संबंध भी उसी देश से रहेगा, हमारे पास भी उसी देश की नागरिकता प्राप्त होगी। तो इसके लिए भारतीय संविधान द्वारा एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, अर्थात कि हम अपने देश के अतिरिक्त कभी भी किसी दूसरे देश की नागरिकता भी नहीं ले सकते हैं। क्यों? अगर हम ऐसा करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुसार वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है। नंबर दूसरी बात, जब तक किसी व्यक्ति के पास देश की नागरिकता नहीं होगी, आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, आधार कार्ड नहीं होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा,
जब तक यह निश्चित नहीं हो सकता यह व्यक्ति कहां का वासी है। इसलिए एक व्यक्ति को अपने देश में अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के लिए, अपनी प्राथमिकता दर्ज करने के लिए उस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, नागरिकता का प्रावधान होना चाहिए, अर्थात उसको उसपे नागरिकता होनी चाहिए। अब तो है कि भारत में लेकर नागरिकता क्यों दी गई है, उसका एक मात्र कारण है कि भारत एक विविधता भरा हुआ देश है, जाति धर्म वर्ग लिंग और संस्कृति के लोग निवास करते हैं। अगर इसकी एकता को बरकरार रखना है तो सभी को भारतीय रहकर भारतीय बनकर रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इससे हमारे देश की अखंडता या हमारे देश की एकता विभाजित हो सकती है। इसलिए इसको एक रखने हैं, एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अब लिखते हैं इसकी परिभाषा, पारस्परिक संघीय शासन व्यवस्था के, पारस्परिक संघीय शासन व्यवस्था के विपरीत भारतीय संविधान में संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण देश के लिए देखिए पारस्परिक संघीय शासन व्यवस्था के विपरीत भारतीय संविधान में संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का, एकल नागरिकता का प्रावधान है ऐसा क्योंकि अगर ऐसा भारत की विशाल बहुलता को देखते हुए भावी विखंडनकारी प्रतिक्रियाओं को रोकने हेतु एकल नागरिकता का, एकल नागरिकता का विचार किया है। देखिए ये सटीक और राजनीतिक शब्दों में दी गई परिभाषा है। आपको लग रहा होगा कि सर जी ये परिभाषा थोड़ी सी कठिन नहीं है, बिल्कुल सही है। पारस्परिक आपसी सहयोग संघीय शासन व्यवस्था के विपरीत स्तरों पर बंटवारा होने के बावजूद, स्तर एक एक शब्द सुनना, संघीय शासन व्यवस्था मतलब यहाँ पर सरकार दो स्तरों पर होती है, केंद्र और राज्य। ये नहीं कि राज्य के लिए संविधान अलग है, नहीं है कि केंद्र के लिए संविधान अलग है, इसके लिए संविधान द्वारा अलग शक्तियां दी गई है, या इसके लिए संविधान द्वारा अलग शक्तियां दी गई, नहीं, सभी के लिए शक्तियां समान है, एक जैसी है और एक ही संविधान द्वारा है। इसीलिए तो कहते एकल नागरिकता। आगे चले, पारस्परिक संघीय शासन व्यवस्था के विपरीत भारतीय संविधान में संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण देश पूरा देश एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऐसा भारत की विशाल बहुलता, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत विविधता भरा हुआ देश है,
जिसमें अनेक जाति वर्ग धर्म लोग रहते हैं। इस कारण विशाल भूमिका को देखते हुए भावी विखंडनकारी प्रतिक्रियाओं को विखंडनकारी अर्थात कि कहीं हमारे देश की एकता को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हो तो रोक रहे हैं, तो एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। आगे समझ में। दूसरी बात, इसमें एक बार माना है कि हमारे आपको याद रखना होगा बिल्कुल कि दोनों स्तरों की सरकार बड़ी होती है, इसके लिए भी शक्तियां और इसके लिए भी शक्तियां किसी अलग अलग संविधान से नहीं होकर दोनों के लिए शक्तियां एक ही संविधान से दी गई है। कई आप सोच लो केंद्र के लिए अलग संविधान है, राज्यों के लिए अलग संविधान है, ऐसा कतई या बिल्कुल नहीं है। आगे चलो। देखिए आपको कहीं भी और कोई दिक्कत हो विद्यालय में आइए, आपके पास हमारे आपके पास नंबर है, आप संपर्क करिए। जल्दी ये समस्या उत्पन्न हो रही है तो हम आपकी जो मदद कर देंगे, जो हो सकती है वो करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर अगला क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था जिन देशों में है उनका नाम लिखो। संघीय शासन व्यवस्था किन देशों में है उनका नाम लिखिए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि। अगला क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय पालिका किसी किसे कहते हैं। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, विधि का शासन क्या। देखिए छह नंबर में आता है ये प्रश्न, परंतु छह नंबर के लिए विधि की जो पूरी विधि निर्माण प्रक्रिया है वो अलग है और यहाँ पर ये शॉर्ट रूप में दिया गया है। ये सिर्फ इस प्रकार से दिया गया है कि इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को इस प्रकार दर्शाया गया है कि जब कभी भी संघीय शासन व्यवस्था के तहत जो दोनों ही सरकारें हैं इनके मध्य जब कानूनों का निर्माण होता है, विधि का स्थापन होता है, तो संविधान के अनुरूप ही कार्य होने चाहिए। जब कभी भी इन्हें ऐसा लगे या राज्य सरकार अपनी शक्तियों का उल्लंघन कर रहा है या केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का उल्लंघन कर रहा है या दोनों ही सरकारें संविधान का उल्लंघन कर रहा है, विधि मानी होता है मुख्य तौर पर कानून का निर्माण होना कि कोई भी नया विधेयक पारित हो तो दोनों की अनुमति आवश्यक होती है, अब हम कहें किसी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर अगर दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो जाए
ऐसी स्थिति में अगर दोनों में किस किस में केंद्र में भी और राज्य में भी संघर्ष अगर उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? कि आपने कहा कि मुझे बड़ा केंद्र होता है मन होगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका द्वारा या विधायिका द्वारा हमारे देश में इनके मध्य जितने भी मतभेद होते हैं मतभेद को सुलझाने के लिए ये शक्ति किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय। किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगर कहीं भी लगे कि व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमारे कानून का उल्लंघन हो रहा है, या कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, तो ये शक्ति विधायिका ने मुख्य तौर पर हमारी न्यायपालिका को दी है। और जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्षता बिल्कुल रखा है वहां किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित हमेशा देश में कानून ऐसे होने चाहिए जिससे सिर्फ न्याय हो, न्याय मिले, जिसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं हो, कहीं भी किसी भी प्रकार की असमानता नहीं हो। इसीलिए इस व्यवस्था को विधि का शासन भी कहते हैं। जब किसी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर इन दोनों सरकारों के मध्य कोई मतभेद होता है या कहीं भी ऐसा लगता है कि राज्य सरकार अपनी शक्तियों की अवहेलना कर रहा है या केंद्र सरकार अपनी शक्तियों की अवहेलना कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारी शक्ति के तौर पर विधायिका द्वारा ये जो शक्ति दी गई है इसको दी गई है न्यायपालिका, और न्यायपालिका में जो भी कौन सर्वोच्च न्यायालय इन दोनों के पक्ष की बातें सुनती है और जो सही होता है न्यायिक होता है उसी प्रकार के कानून पारित कर देश में लागू करती है और देश की न्याय व्यवस्था को सक्षम बनाने में सफल होती है। क्लियर है? तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो हम आपको अगली